हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकृष्टा ब्लॉग्स। आज हम कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी देखने वाले हैं। हम आज न्यू शोरूम से ज्वेलरी देखेंगे। ये जो शोरूम है HSR लेआउट बेंगलुरु कर्नाटक में है। इस स्टोर का एड्रेस मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया विद कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपको ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर जरूर कर दीजिएगा। मैं हमेशा आप सबके लिए लेटेस्ट कलेक्शंस लेकर आती हूँ। आज जो हम देखेंगे डेली वेयर ईयर रिंग्स का कलेक्शन है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट जो ईयर रिंग है आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है। गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है। इसका वेट 3.46 ग्राम है। इसमें 3.36 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 500 सेंस का डायमंड यूज किया गया। 66,900 के अप्रोक्सीमेटली ईयर रिंग मिल जाएगा। इसका स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा। नेक्स्ट वाला ये आपको येलो गोल्ड में मिल रहा 18 कैरेट 2.72 ग्राम ग्रॉस वेट है। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा 2.66 ग्राम का। इसमें गोल्ड यूज किया गया। 300 सेंस का डायमंड है। 49,300 के अप्रोक्सीमेटली ईयर रिंग मिल जाएगा आपको। स्क्वायर पैटर्न में बना हुआ ये। नेक्स्ट वाला ये भी आपको येलो गोल्ड में मिल रहा 18 कैरेट। गोल्ड का प्योरिटी 2.54 ग्राम। इसका ग्रॉस वेट है 2.49 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 220 सेंस का डायमंड यूज किया गया। 40,380 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली ईयर रिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये आपको रोज गोल्ड में मिल रहा। गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है। 2.99 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। 2.89 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। बैक साइड से आपको स्क्रू स्टेप में मिल रहा। डायमंड 480 सेंस का यूज किया गया। 61,740 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। ये वाला आपको येलो गोल्ड में मिल रहा 18 कैरेट गोल्ड है। 1.98 ग्राम ग्रॉस वेट है। 1.88 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। इसमें 500 सेंस का डायमंड है। ये ईयर रिंग आपको 62,170 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला आपको रोज गोल्ड में मिल रहा 2.63 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। 2.56 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 330 सेंस का डायमंड यूज किया गया। 46,930 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा है। नेक्स्ट वाला ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है। इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। 2.56 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। 2.49 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। स्क्रू देख लीजिए। 350 सेंस का डायमंड है। 48,030 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है। इसका वेट 2.01 ग्राम ग्रॉस वेट है। 1.97 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 200 सेंस का डायमंड है। ये ईयर रिंग आपको 34,400 के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला इसका वेट 3.56 ग्राम है। रोज गोल्ड में भी बना हुआ। सारे ईयर रिंग्स 18 कैरेट गोल्ड में बने हुए हैं आज के। 3.49 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 350 सेंस का डायमंड यूज किया गया। इसमें 55,846 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको। ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा 2.78 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। 2.71 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। स्क्रू आपको स्टेप में मिल रहा। 330 सेंस का डायमंड यूज किया गया। 48,130 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली ईयर रिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है नवरत्न में आपको मिल रहा। गोल्ड का प्योरिटी 22 कैरेट है। 5.4 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। 5.1 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। सभी ओरिजिनल स्टोन यूज किया गया। इसमें 56,548 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ईयर रिंग ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा 1.74 ग्राम है। लाइट वेट में है। 1.71 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 160 सेंस का डायमंड यूज किया गया। ये ईयर रिंग आपको 28,580 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ईयर रिंग है 2.46 ग्राम में मिल रहा। रोज गोल्ड में भी है। 2.42 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। इसमें 190 सेंस का डायमंड यूज किया गया। 37,000 के अप्रोक्सीमेटली ईयर रिंग आपको मिल जाएगा। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा है इसका भी। नेक्स्ट वाला ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा 2.05 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। 2.01 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 190 सेंस का डायमंड इसमें भी यूज किया गया। 33,800 के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है। इसमें डायमंड के साथ आपको ब्लू कलर का कलर स्टोन यूज किया गया। सिंथेटिक स्टोन है। 3.15 ग्राम ग्रॉस वेट है। 2.99 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 230 सेंस का डायमंड यूज किया गया इसमें। ये ईयर रिंग आपको 43,260 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। ये वाला भी बिल्कुल लाइट वेट में मिला। 1.68 ग्राम है। 1.65 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया।
160 सेंस का डायमंड यूज किया गया, इसमें 28,070 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। टैग पे प्रोडक्ट कोड भी मेंशन किया रहता है। नेक्स्ट वाला है, ये भी आपको बहुत ही खूबसूरत पैटर्न में मिल रहा है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। 2.94 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है, 2.86 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, 380 सेंस का डायमंड यूज किया गया, 53,240 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला इसका भी डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, 2.82 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है, 2.75 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, 300 सेंस का डायमंड है, स्क्रू आपको स्टेप में मिल रहा है, 46,000 के अप्रोक्सीमेटली ईयरिंग आपको मिल जाएगा। ये वाला भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा, 3.61 ग्राम है इसका वेट, 3.56 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, 280 सेंस का डायमंड है, 50,659 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वाला है, इसका वेट 3.86 ग्राम है, ये भी रोज गोल्ड में मिल रहा है आपको, 3.74 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, 600 सेंस का डायमंड यूज किया गया इसमें, ये इयरिंग आपको 78,120 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है, ये भी आपको लाइट वेट में मिल रहा है, 1.95 ग्राम है इसका ग्रॉस वेट, 1.92 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, 150 सेंस का डायमंड यूज किया गया इसमें, ये इयरिंग आपको 29,250 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, येलो गोल्ड में बना हुआ है ये। नेक्स्ट वाला 2.77 ग्राम है इसका ग्रॉस वेट, 2.71 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, 270 सेंस का डायमंड यूज किया गया इसमें, ये इयरिंग आपको 43,250 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा।